नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी राजस्थानी भजन है या गीत है उसको निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से भजन को इन बटनों पर ढूंढना है। भजन तो इन बटनों में ही है, लेकिन जो उसकी जो धुन है उसको हम लोगों को किस प्रकार से ढूँढना है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि आप जो भी भजन गाना चाहते हैं या जो भी गीत आप गाना चाहते हैं उसको आप 8-10 बार सुन लें। मेरा मतलब कहने का ये है कि जो भी भजन हम लोग इस हारमोनियम पे बजाना चाहते हैं उस भजन को हम लोग जितनी बार ज़्यादा सुनेंगे उतनी बार उसकी जो धुन है, उसकी जो तर्ज है, वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि आप जैसल धाड़वी गा के बताओ, या आप मैं थाने सिमरू गजानंद देवा ये भजन गा के बताओ, तो फटाक से जो भजन है वो उसको गाने की जो धुन है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमारे मन मन में उसको गुनगुनाना चाहिए, जो उसकी धुन है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो ही वो निकल पाएगा। अब दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, गाने को सुनना है बहुत बार और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस गाने को सुने, उसकी जो तर्ज है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। फिर ये जैसे ये सारे बटन है ना, कोई सा भी भजन किसी भी बटन से निकल जाएगा, किसी भी बटन से, यहाँ से बजा लो, यहाँ से बजा लो, है ना। तो आप लोगों को अपनी आवाज़ को एक जगह फिक्स करना, जैसे मैं इसको तीसरी काली से करता हूँ, यहाँ से अब दोस्तों इस एक बटन को दबा के और आपको जो भजन है, जो गीत है उसको गाना। जैसे आपने इसको सा मान लिया, इसको सा मान लिया, किसी भी बटन को आप मान लीजिए जहाँ से आपकी आवाज़ मैच हो रही है, इस एक को दबा के और फिर उस भजन को गाइए। जैसे मैं एक भजन आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको हम लोग ढूंढेंगे। सतगुरु आया बीण जारा मारे, साहेब आया बीण जारा। इसी स्वर पे गाना है, ऐसो डाव भाई फिर नहीं आवे, ऐसो डाव भाई फिर नहीं आवे, मिले ना दूजी वारा मेरा, सतगुरु आया बीण जारा। अब दोस्तों, इसको धुन को सुनना है और जो भजन है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, आप देखो। हाँ, अब अपन स्टार्ट कहां से करते हैं, हे, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, हे, तो उस आवाज को ढूंढो इस आगे वाले बटन में। ये देखो, ये आवाज मिल गई है, ये यहां थे हम लोग और यहां आना। हाँ नहीं, हे, ये आवाज मिल गई जो शुरुआती तौर पे करते हैं, वो देखो, हे सतगुरु, सतगुरु आवाज मिल रही, देखो या नहीं मिल रही। हे सतगुरु आया बीने जा रहा, इतनी लाइन देखो, सतगुरु आया बीने जा रहा, एक ही लाइन पे चल रही, एक ही बटन पे चल रही आवाज, देखना। सतगुरु आया बीने जा रहा मारे मारे मारे, साहेब साहेब, अब आवाज मिलानी, साहेब 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 आया आया,
यहाँ आवाज मिल रही थी, आया साहेब, नहीं साहेब आया बीड़ी जा रहा, इस तरीके से। अब जो अगला अंतरा देखो, ए सोडाव भाई, ये देखो, ए सोडाव भाई, ए सोडाव भाई, फिर नहीं यही बटन काम आ रहा, देखो, फिर नहीं आवे मिले ना, मिले ना दूजी वारा मेरा, संत करु आया बिन जारा। तो मतलब दोस्तों जो भजन है ना उसके थोड़े थोड़े मतलब ऐसे दो दो चार चार शब्द लेके उसकी तर्ज को अलग अलग टुकड़े में ऐसे बांट के और उसके बाद में इन बटनों पे ढूंढो कि कौन से बटन पे आवाज़ सेट हो रही। जैसे मैंने सतगुरु बोला तो वो सतगुरु आवाज़ ये ऐसे सतगुरु नहीं बोलेगा, जैसी मैं सतगुरु बोलने की जो आवाज़ बोल रहा हूँ वो आवाज़ यहाँ से निकलेगी। देखो ये देखो, ए सतगुरु सतगुरु, अब मेरी जो आवाज बोल रहा हूँ मैं सतगुरु बोलने की जो आवाज वो सेम मिल रही है। सतगुरु आया बीने जा रहा मारे, साहिब आया बीने जा रहा। ऐसो डाव भाई फिर नहीं आवे, ऐसो डाव भाई फिर नहीं आवे, मिले ना दूजी वारा मेरा, सतगुरु आया बीने जा रहा। तो दोस्तों आवाज को पहचानना रहा हम लोगों को जब ये पता लग जाएगा कि भजन की आधी लाइन एक ही बटन पे चल रही है या थोड़ा सा ये बटन लग रहा है ये लग रहा है, तो बिल्कुल हम लोग बजाना सीख जाएंगे। जैसे देखो दोस्तों, ए सतगुरु आया बीने जा रहा मारे, फटाक से अंगुली ने जगह छोड़ दी यहाँ से। अब देखो कितनी देर तक चला एक ही बटन पे आवाज है, ए सतगुरु आया बीने जा रहा मारे, साहेब, अब एक ही शब्द थोड़ी देर चल रहा है यहाँ, देखो साहेब आया, साहेब आया बीन जा रहा। तो दोस्तों आप लोग किसी भी बटन को सा मान लीजिए और उसके बाद में ना उस भजन को इन बटनों में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला काम यही है कि आप लोग सारेगामा का प्रैक्टिस कीजिए, आवाज़ को इस पे मैच करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।